नमस्कार। विभाग विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपसे रूबरू हूँ आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारणीय शीर्षक पर चर्चा के लिए। हाँ, आज पुनः मन बहुत विचलित है। सवाल उठ रहे हैं, अपने आप से पूछ रहा हूँ, अपने मित्रों से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आखिर इस देश में हो क्या रहा है। बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं किसी कोने में लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची गई है, जिसके कारण अनेक सारी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिसकी कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज में नहीं की जा सकती है, वैसी घटनाएं हो रही। और अब जिस विषय पर मैं आज अपने विचार शेयर करने जा रहा हूं उससे आप भी विचलित हो जाएंगे। उसका सीधा संबंध हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आचरण से है और संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की सफलता विफलता को लेकर उठ रहे सवालों से है। आपको जानकारी होगी, अभी विगत कल बुधवार को मुंबई में हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर परिसर में पक्ष विपक्ष कुछ इस तरह भिड़े कि यह संदेह होने लगा कि क्या यही हमारे निर्वाचित विधायक हैं, ये हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो विधानसभा विधान परिषद में निर्वाचित हुए हैं। विधानमंडल परिसर के अंदर, भवन के अंदर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ताधारी एकनाथ गुट के कुछ विधायक और विपक्ष के विधायक, जिसमें प्रमुखतः राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, वे आपस में भिड़ गए। बातचीत शब्द प्रहार तक सीमित नहीं रहे, गाली गलौज और धक्का मुक्की की नौबत आई। अत्यंत अशोभनीय दृश्य वहां पैदा हो गया। गालियां ऐसी जिसे न तो यहां कोई कह सकता है, टेलीविजन चल के एंकरों ने हाथ उठा दिए थे कि उसे हम यहां पर न बोल सकते हैं न दिखा सकते हैं, ऐसी ऐसी गालियां। इससे एक बार फिर यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोग जनता के मतों से जीत करके जनप्रतिनिधि बन करके विधान मंडलों और संसदों में पहुंचते कैसे हैं, कैसे पहुंच जाते हैं। यहां पर मतदाता की सोच पर भी सवाल खड़े होते हैं, उसके निर्णय पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ऐसे तत्वों को, क्षमा करेंगे मैं इस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, ऐसे असामाजिक तत्वों को वो जिता करके विधानमंडल में या संसद में भेजते ही कैसे। आप कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र है, कोई भी, हाँ उसमें कुछ कानूनी बंधन है लेकिन वो ऐसे है कि उसको पार करके चले आते हैं, चुनाव लड़ सकता है, जनप्रतिनिधि बन सकता है जीत करके, वो हो रहा है। कहने का ये आशय है कि कानून में कोई वैसे प्रावधान नहीं है जिसे उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। कौन जानता है, जब वो विभिन्न पार्टियां जब उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती हैं तब तो लगता है कि ठीक है। हालांकि उम्मीदवार बनने के पहले भी और जब उम्मीदवारी की घोषणा होती है सवाल कई बार खड़े हुए हैं कि आखिर ऐसे कुछ तत्व हैं जिनका चरित्र संदिग्ध है, बाहुबली के रूप में वो कुख्यात हैं, धन बल के द्वारा वो चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसी बातें उठती हैं। बावजूद इसके
विभिन्न राजदल उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण दो सवाल आते हैं। एक तो राजदल वैसे तत्वों को अपना उम्मीदवार क्यों बनाते हैं, कौन सी मजबूरी है? हमारा जो विश्व विख्यात लोकतंत्र है, पिछले 75 सालों से हम सफलतापूर्वक हमारे देश में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है, विश्व चंबित है। ध्यान रखें, आजादी के पूर्व हमारे पूर्व शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने टिप्पणी की थी, आशंका व्यक्त की थी कि देश आजाद तो हो रहा है लेकिन ये देश चलेगा नहीं, ऐसी आशंका व्यक्त की थी। बावजूद इसके हमने दिखला दिया, हमारे देश ने दिखला दिया, हमारे देश की जनता ने दिखला दिया कि यहां पर सफलतापूर्वक लोकतंत्र चल रहा है, विश्व में इसकी प्रशंसा होगी। इसके बावजूद अगर आज आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस पर एक राष्ट्रीय बहस आवश्यक है। पहला, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्तर पर चुनाव के पूर्व ऐसे तत्वों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाए, वो पूरी छानबीन करें, ऐसे तत्वों को उम्मीदवार ही न बनाए, न वो उम्मीदवार बनेंगे और न विजयी होकर के संसद के या विधानमंडल के अंदर पहुंचेंगे। एक ये होता है। दूसरा, उनकी जो कुछ मजबूरियां होती हैं, या जैसे कि पता नहीं चलता है, बहुत सारे समीकरण चुनाव में बहुत सारे समीकरण रहते हैं, कुछ जातीय समीकरण आ जाते हैं, कुछ क्षेत्रीय समीकरण आते हैं, कुछ भाषा का मुद्दा उठ जाता है, कहीं कहीं आजकल तो धर्म का मुद्दा उठ जाता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विवश होकर के कुछ उन्हें उम्मीदवारी दी जाती है। ठीक है, उस पर रोक के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति विभिन्न राजदलों के नेतृत्व में होनी चाहिए। अगर इस इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वही होगा जो होता चला रहा है। तो फिर जनता क्या करे? अंतिम उपाय, उनका सामाजिक बहिष्कार। चूंकि जैसे मैंने कहा कि कानून के माध्यम से उन्हें रोका नहीं जा सकता, तो एक ही उपाय है, वह है सामाजिक बहिष्कार। जनता उनका सामाजिक बहिष्कार करे, उनका हुक्का पानी बंद कर दे। हमारे समाज में पहले से प्रथा थी, हालांकि उसकी भर्त्सना हुई, निंदा हुई, ऐसा नहीं हो जाए, लेकिन जब मजबूर किया जाता है, जब और कोई उपाय नहीं रहता है, कोई और रास्ता नहीं रहता है, तो ऐसे रास्तों को अपनाना ही होगा, क्योंकि वो सफेद पोष जो समाज में निकलते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देंगे, लुभाने की कोशिश करते हैं अपने समाज के लोगों को, अपने मतदाता को, तो जब उनका सामाजिक बहिष्कार होगा, मोहल्ले टोले में जब उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं रखेगा, जैसा कि आम जो प्रचलित कहा होते हैं हुक्का पानी बंद होना, अगर यह रास्ता अपनाया गया तो एक उम्मीद बनती है कि वे शायद ऐसे आचरण से बच जाए, क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आशा कर वो एक आदर्श होते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए उनका आचरण, उनकी हर क्रिया पर लोगों की नजर रहती है, वे अनुकरणीय आदर्श के रूप में उन्हें पेश किया जाता है। लेकिन जब वो सदन के परिसर के अंदर, जैसे कल मुंबई में हुआ, सीढ़ियों के पास दो पक्ष विपक्ष आपस में गाली गलौच मारपीट की नौबत, जब ऐसे आचरण होंगे तो फिर जिस लोकतंत्र के हम दुहाई देते हैं, जिस लोकतंत्र के माध्यम से हम देश को एक स्वच्छ शासन प्रशासन देने की बातें करते हैं और अपेक्षा करते हैं जनता से, अगर वो नहीं होता है तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक बहिष्कार करें, यह अंतिम उपाय के रूप में है। अच्छा नहीं लगेगा और शायद इस पर सवाल खड़े हो, प्रश्न खड़े हो कि कैसे संभव है। बिल्कुल संभव है, इसमें कुछ करना नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। आप उनकी उपेक्षा कर दीजिए, आपके मोहल्ले टोले में रहते हैं उनकी उपेक्षा कीजिए, उनके परिवार की उपेक्षा कीजिए, तब उन्हें सीख मिलेगी। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग नहीं रह सकता है,
सांसद बाद में बनता है, विधायक बाद में बनता है, पहले वो अपने मोहल्ले टेले का एक प्रतिनिधि है। अगर वहां सामाजिक बहिष्कार होगा, उसकी उपेक्षा होगी, तब वो अपने आचरण में सुधार करेंगे। दूसरी घटना बहुत चर्चित दिल्ली की है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सीबीआई रेड हुआ, सारी घटनाएं हुई, ये चल रही थी। उसमें एक बात सामने आई, बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के आप पार्टी की ओर से कहा गया, कुछ विधायकों को वहां बैठाया गया, उन्हें प्रस्तुत किया गया मीडिया के सामने कि 20-20 करोड़ का 20-20 करोड़ की पेशकश उन्हें की गई थी वो पाला बदलने, वो पार्टी बदल करके आ जाए और कुछ लोगों को ले आएंगे तो वो राशि 25 करोड़ हो जाएगी। यह अलग से कहीं कोने में फुसफुसाहट के रूप में आरोप नहीं आया, बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां विधायक बैठे, उन लोगों ने आरोप लगाया। हाँ, अभी उन्होंने प्रमाण नहीं दिया ये बात, जबकि वो दावा करते हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, प्रमाण है, तो प्रस्तुत करें। और यह भी जो पहला प्रसंग मैंने कहा विधायकों का आचरण, उससे जुड़ा हुआ है। और यहां पर सत्ता पक्ष के ऊपर भी एक चुनौती दी जा सकती है कि ये जो 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ एक विधायक के लिए कितने होंगे, कितने विधायक करेंगे। तो यह तो सर्वविदित है कि यह जो धन राशि है यह कहां से आई, ये तो काला धन है, कोई चेक से तो पेमेंट करेंगे नहीं, अगला लेने वाला भी कोई चेक से तो लेगा नहीं, ये काला धन है। अर्थात राज दलों के पास इतने काले धन मौजूद हैं कि वे उन काले धन की बदौलत सत्ता परिवर्तन का चेष्टा करते हैं, जो दिल्ली में किए गए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। ठीक है कि सत्ता पक्षियों से कहा गया कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है, लेकिन जब ये सार्वजनिक रूप से आरोप लग रहा है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और चूंकि जांच एजेंसियां खुद कटघरे में खड़ी हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि इसकी न्यायिक जांच हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है, मुझे लगता है कि इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए जजों को एक कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए, जो इन आरोपों की सत्यता की खोज करे। अगर ये आरोप गलत हैं तो आरोप लगाने वाले दंडित किए जाए, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र का चेहरा विद्रूप होता है। और अगर सच है तो फिर ऐसी पेशकश करने वाले दंडित किए जाए, यह आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध, जैसे मैंने आरंभ में कहा, इसका सीधा संबंध उस आशंका की ओर है कि कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठकर के लोकतंत्र की हत्या की साजिश की जा रही है। ये इसी कड़ी के अंग, क्योंकि जिस दिन लोकतंत्र का चेहरा विद्रूप होगा, लोगों का लोकतंत्र से वो बंद हो जाएगा जो, जैसे कि आरोप है, आज के कुछ राजदल चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि देश में किसी को लोकतांत्रिक अधिकार मिले। वो तानाशाही प्रवृत्ति के पोषक है, वे चाहते हैं कि जो उनके मुख से शब्द निकले हुए अंतिम हो, ऐसा एक तानाशाही सोच सकता है। तो ये दोनों घटनाएं जो इस चर्चा में कि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे देश के लोकतंत्र से है, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से है, और इस पर तत्काल राष्ट्रीय बहस कर इसके निराकरण के उपाय ढूंढे जाए। अन्यथा ऐसा ना हो कि बहुत विलंब हो जाए और सचमुच लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र की हत्या की इच्छा रखने वाले लोग सफल हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सारे के सारे हम जिस अमृत महोत्सव से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, आजादी के दीवानों की कुर्बानियां, जिस महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन करके ब्रिटिश, मजबूत शक्तिशाली ब्रिटिश शासकों से हमने मुक्ति पाई, देश को आजाद कराए और हम आजाद भारत के नागरिक के रूप में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ये सारे गौरव, ये सारी प्रतिष्ठा, ये सारे आदर्श सभी
समाप्त हो जाएंगे, दूर दूषित हो जाएंगे। धन्यवाद।